साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तिकोनिया नामक जगह पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से आने थे, उनके हेलीपैड का किसानों ने घेराव किया, उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, वो वापिस भागने पर मजबूर हुए। साथियों कुछ किसान जा चुके थे, कुछ जाने वाले थे, इसी दौरान एक साजिश के तहत दंगे करवाने के लिए, आंदोलन में हिंसा भड़काने के लिए एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री लठ उठाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की धरती पे दंगे फैलाने के लिए, आंदोलन भड़काने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए एक साजिश रची जाती है नरसंहार की बीजेपी द्वारा। और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका बेटा आशीष उर्फ मोनू मिश्रा, उनका भाई, उनके तमाम गुंडे गाड़ियों में भर करके आते हैं और निहत्थे किसानों को गाड़ियों से कुचल देते हैं। एक किसान को, भागते हुए किसान को पकड़ करके उसके सर में गोली मारी जाती है, एक किसान मौके पे कुचलने से वहीं शहीद हो जाते हैं। और अब तक साथियों कुल चार किसान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, हमारे अपने बिछड़ रहे हैं। आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आज का दिन काला दिन है। अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा, अब पूरी नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया खामोश है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज का दिन आंदोलन ने जो देखा है वो बहुत भयानक और भयावह है। ये नरसंहार है, ये साथियों सरकारी हत्या है, ये षड्यंत्र के तहत हत्या है। तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पूछ रहे हैं, हम भी वहां आ रहे हैं। और तमाम साथियों से, युवा साथी, किसान भाइयों से निवेदन है कि वो तिकोनिया में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और सरकार की साजिश का शिकार ना हो। गुस्सा बहुत है, आंखों से खून आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति बना करके रखें, क्योंकि देश को बचाने का आंदोलन जीतना है, जमीन और जमीर को, फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन जीतना है। साथियों संयुक्त किसान मोर्चा का यह फैसला हुआ है, कल यानी कि 4 अक्टूबर के लिए पूरे देश के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी कार्यालयों पर धरने प्रदर्शन करते हुए सुबह 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक इस तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर के ज्ञापन देना है, प्रदर्शन करने हैं। और इसी के साथ में उनका बेटा, उनका भाई और वो तमाम गुंडे जिनके ऊपर 302 के पर्चे दर्ज हो, तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको जेल के अंदर बंद किया जाए। और साथियों जब तक लखीमपुर खीरी की घटना का सूत समेत हिसाब नहीं किया जाएगा, अपने किसान भाइयों को न्याय नहीं दिलाया जाएगा, तब तक जो है बैठने वाले नहीं है, आंदोलन चलेगा। और लखीमपुर खीरी की घटना, जो योगी सरकार है वहां पर बीजेपी है और मोदी सरकार है, इनके गोड्डे टिकवाने हैं, इनके हलक में हाथ दे करके और अपने किसान भाइयों को न्याय दिलवाने का काम करना। कल की तैयारी करें, शांति बना करके रखें और पूरी नजर लखीमपुर खीरी के ऊपर रखें, अलर्ट रहें। संयुक्त किसान मोर्चा अगली रणनीति जो लेकर के आए उस पर पूरी ताकत लगाएं, सबसे निवेदन है जोश के साथ होश रखें, गुस्से को नियंत्रण रखना है साथियों, और हमें जो है आंदोलन को जीतना है, अपने किसान भाइयों को न्याय दिलाना, इन गुंडों का इलाज करना, इनको सबक सिखाना है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आंदोलन कमजोर हो। संयुक्त किसान मोर्चा के अगले निर्णय का इंतजार करें, अलर्ट पर रहें, तैयार रहें, गाड़ियों को तैयार रखें, किसी भी समय जो भी आदेश मोर्चे का हो उसको मानने का काम करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद। जय जवान जय किसान, और कल के प्रदर्शनों को कामयाब बनाएं पूरे देश भर में, हरियाणा और पूरे देश से पुनः निवेदन है साथियों।